अरे मोदी जी, गेहूं क्या रेट में खरीद रहे हो? बताओ क्या रेट में खरीद रहे हो? राहुल, गेहूं को बहुत महंगा खरीद रहा हूँ। 20 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीद रहा हूँ। क्या ये तुम बोरे में गेहूं भरकर लाए हो? रख दो यहीं पे, 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लूंगा। मोदी जी, गेहूं का रेट तो आप मद्दा लगा रहे हो। शहर में तो गेहूं का रेट 25 रुपए किलो है और यहाँ पर आप गांव में 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहे हो। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, मैं तुमसे 25 रुपए में गेहूं खरीदूंगा और भाड़ा लगाकर इस गेहूं को शहर में बेचने के लिए ले जाऊंगा और 25 ही रुपए बेचूंगा, तो मुझे बचेगा क्या? ऐसे तो मेरी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, ऐसे तो मुझे गुरुद्वारे में खाना पड़ेगा। भाई मुझे भी तो थोड़ी कमाई करना होती है। तुम्हें अगर शहर में जाकर बेचना है इस गेहूं को, जाओ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। जाकर शहर में बेच दो एक बोरी गेहूं को। अब मोदी जी एक बात बताओ, इस एक बोरी गेहूं को कहाँ शहर लेकर जाऊंगा? अगर थोड़ा बहुत ज्यादा गेहूं होता तो बैलगाड़ी में भरकर इस गेहूं को शहर ले जाता। इसीलिए मैंने सोचा, चलो गांव में आप गेहूं खरीद रहे हो, गेहूं का व्यापार कर रहे हो, तो एक बोरी गेहूं आप ही को बेच देता हूँ। पैसे की जरूरत पड़ गई तो घर का गेहूं तो बेचना ही पड़ेगा। चलो राहुल, तुम हमेशा मेरे ही पास गेहूं बेचने के लिए आती हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें 22 रुपए किलो का रेट लगा दूंगा। 22 रुपए किलो के हिसाब से ये अनाज मुझे बेच दो। लेकिन राहुल, एक बोरी अनाज क्यों बेचने के लिए आए हो? 2-4 बोरी अनाज की और ले आओ, सब खरीद लूंगा मैं। अरे मोदी जी, आप तो खरीद लोगे, आप तो व्यापारी हो, हम तो गरीब किसान हैं। हमारा तो इस बार 5 बोरी अनाज ही पैदा हुआ था और इस 5 बोरी अनाज को हमें 6 महीने तक चलाना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने में हमारी दूसरी फसल आ जाती है। अब इस अनाज को बेच के घर का खर्चा पानी चलता रहेगा। अरे योगी जी भी आ गए अनाज लेकर। योगी जी, आप भी क्या एक बोरी अनाज बेचोगे मोदी जी को? हाँ राहुल, घर में दाल चावल बचा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा एक बोरी गेहूं बेचकर दाल चावल खरीद लेता हूँ। अरे अपना किसानों का तो अपनी खेती के अनाज से ही खर्चा पानी चलता रहता है, क्या किया जाए। अपना कोई मोदी जी की तरह तगड़े व्यापारी थोड़ी है जो यहाँ से गांव से 20 रुपए किलो अनाज खरीदते हैं और शहर में 25 रुपए किलो बेचते हैं। अरे तुम लोगों को दिक्कत क्या आई होगी जी? तुम भी यही बात कह रहे हो, तुम्हें व्यापार करने को कोई मना कर रहा है? तुम भी व्यापार करो, ये खेती बाड़ी क्यों कर रहे हो? मोदी जी, हमारे इतने नाखून ही नहीं है जो सर को खुजाएं। मेरा कहने का मतलब, हमारे पास इतनी जमा पूंजी नहीं है जो व्यापार करें। हमारे तो खेत में जो पैदावार हो जाती है उसी से खाना खर्चा कर लेते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।